आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं वीकेंड चर्चा, जिसमें हम बात करेंगे आज मुफ्त राजनीति की। जी हाँ, जैसे चुनाव नजदीक आता है, कई दावे और वादे किए जाते हैं, और वहीं देखने को मिलता है कि मुफ्त में कई चीजें बांटी जा रही हैं। वो चाहे फ्री लैपटॉप जैसे पहले बटा हो, या फिर इस बार मोबाइल टैबलेट की बात हो, या फिर फ्री राशन हो, या फिर स्कूटी देने की बात हो, तो ये सब मुद्दे लगातार देखने को मिलते ही रहते हैं। तो फ्री वाली राजनीति इस बार देखने को मिल रही है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय इकाना स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 करोड़ छात्र छात्रा को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण किया और शुरुआत की। इसके तहत 60,000 युवाओं को निशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट दिए गए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 करोड़ विद्यार्थियों को निशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन देने के अभियान पर शनिवार को तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस ने कहा कि चुनाव सिर पर आने के बाद बीजेपी ने टैबलेट और स्मार्टफोन देकर वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन रावत ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय से जारी एक बयान में आरोप लगाया कि बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव संकल्प पत्र में 70 लाख नौकरियों के वादे पर नौजवानों से वोट लिया, लेकिन सरकार बनने के बाद आज तक नौकरियां नहीं दे पाई। अब जब चुनाव आया है तो नाम मात्र कुछ टैबलेट स्मार्टफोन देकर वाहवाही लूटने की कोशिश की जा रही है, तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। एक तरफ कांग्रेस के द्वारा भी फ्री का लालच दिया जा रहा है, युवाओं को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश की जा रही है, वोट बैंक चाहते हैं युवाओं का, जहां महिलाओं को साथ लेकर चल रही है कांग्रेस, स्कूटी देने का, बैंड देने का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी के द्वारा राशन दिया जा रहा है, लैपटॉप जैसे पहले वितरण किया गया था, मोबाइल और टैबलेट वितरण किए गए हैं ताकि युवा पढ़ सके और आगे बढ़ सके। लेकिन जो फ्री में चीजें दी जा रही हैं और बोला जा रहा है कि आगे हम आपको नौकरियां देंगे, फ्री बिजली देंगे, फ्री बस यात्रा देंगे, फ्री राशन देंगे और फ्री बिजली देंगे, इस तरह के जो दावे देखने को मिल रहे हैं, वादे देखने को मिल रहे हैं चुनावी रैलियों में, ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि फ्री वाली राजनीति असरदार साबित होगी या बेअसर रह जाएगी। युवा वोटरों को साधना है, फ्री में चीजें बांटना है, लैपटॉप स्कूटी मोबाइल टैबलेट राजनीति में है, ये सब चॉकलेट, फ्री वाला लॉलीपॉप दिखाना है, वोट बैंक को बढ़ाना है, फ्री वाली राजनीति युवा। और इसी मुद्दे पे हमारे साथ चर्चा के लिए दो मेहमान मौजूद हैं। गौरव मिश्रा जी बीजेपी से जुड़ चुके हैं और अभिषेक राज जी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है वीकेंड चर्चा में। तो सबसे पहले मैं गौरव मिश्रा जी आपके पास आऊंगी। तो बड़ी संख्या में छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट बांटे गए हैं, बड़ी उपलब्धि है, छात्रों को इससे काफी फायदा होगा, लेकिन विपक्ष इस पे हमलावर है, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष ये काम पहले कर चुका है, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं किया था जी। लेकिन उन्होंने जो किया वो उनका उद्देश्य छात्रों को लाभ पहुंचाना नहीं बल्कि घोटाले करना, बड़े बड़े घोटाले करना। आज भारतीय जनता पार्टी की पूज्य योगी आदित्यनाथ की चल रही सरकार ने ये जो फैसला लिया है, इससे जो मेधावी छात्र हैं, आप देखिए उनकी क्राइटेरिया बाकायदे फिक्स है और उसमें पारदर्शिता है पूरी तरह से, और सभी जिलों के मेधावी छात्र सेलेक्ट किए जा रहे हैं, उनको ये सुविधाएं मिल रही हैं। और आज जब डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, डिजिटल क्रांति की बात हो रही है, और एजुकेशन भी इस कोरोना काल में भी डिजिटल क्रांति के कारण ही बच्चों के घर तक पहुंच सका, उनकी शिक्षा बाधित नहीं हुई, यद्यपि बाधित हुई फिजिकली, लेकिन काफी हद तक सुचारू रूप से चलती रही। और आज ये जो टैबलेट और जो स्मार्टफोन का वितरण हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर छात्रों को अपनी शिक्षा में लाभ पहुंचेगा, सुविधा पहुंचेगी, और 1 करोड़ का जो ये आंकड़ा है विभिन्न चरणों में पूरा किया जाएगा। और आज देखिए लगभग 38 लाख छात्रों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी पूरा कर लिया, और हमारी सरकार बिल्कुल पारदर्शिता के साथ एक एक पीस की पारदर्शिता, जहां पिछली समाजवादी सरकार में 8 लाख से ज्यादा लैपटॉप्स का पता ही नहीं चला, उसका वितरण ही नहीं हुआ,
जी, तो घोटालों की बात भी यहाँ पे अब सामने आ रही है। अभिषेक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से घोटाले की बात कही गई है बीजेपी की तरफ से, और अब ये बात कांग्रेस की तरफ से कही गई है कि टैबलेट और स्मार्टफोन दे के वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है सरकार, क्योंकि चुनाव सिर पे है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी को 59,000 शिक्षक भर्ती जो घोटाला हुआ वो नहीं नजर आता है, फिर जो पेपर लीक हो जाते हैं वो नहीं नजर आता है, युवाओं के ऊपर पिछले 2-2.5 साल से जब से युवा प्रदर्शन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास के बाहर और डिप्टी सीएम के आवास के बाहर, तो उनको वहां पे लाठियां मारी जाती हैं। अब क्योंकि चुनाव नजदीक आ गया है तो फ्री लैपटॉप और फ्री टैबलेट देने की बातें हो रही हैं। एकाना स्टेडियम में इतना बड़ा जनसमूह वहां इकट्ठा किया गया और वहां पे तमाम दावे किए गए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, आज कांग्रेस पार्टी द्वारा पहले से मैराथन का उसको तो भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस प्रशासन के द्वारा मना कर दिया, होने नहीं दिया, और अपना कार्यक्रम बड़ा बड़ा कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। आज अमित शाह जी जालौन में हैं, रैलियां कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कौशाम्बी में रैली कर रहे हैं, तो ये दोहरा मापदंड क्यों है विपक्ष के लिए और सत्ता पक्ष के लिए? पहली बात तो ये है, घोटाले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निरंतर हुए हैं। 5 वर्षों की सरकार में युवाओं को नौकरी के नाम पे केवल पेपर लीक के अलावा कुछ मिला नहीं है। शिक्षक भर्ती घोटाला, एसआई घोटाला, नलकूप ऑपरेटर घोटाला, सब जगह पेपर लीक हुए हैं। तब इनको क्यों नहीं युवाओं की याद आई? क्योंकि अब चुनाव का वक्त नजदीक आ गया है, कोई कार्य किए नहीं गए हैं, तो युवाओं को टैबलेट और लैपटॉप बांटने की बातें करी जा रही हैं। देखिए, इसका बहुत असर नहीं पड़ने जा रहा है। आज हमारा झांसी में मैराथन का कार्यक्रम था और जिस तरीके से वहां पे 50,000 का जनसमूह उमड़ा, बहने जिस तरीके से वहां पर आई है मैराथन में, वो साफ साफ दर्शाता है कि प्रदेश में जो राजनीति की हवा है वो बदल रही है और भारतीय जनता पार्टी के तो पक्ष में वो नहीं है बिल्कुल भी, ये साफ साफ दर्शाता है। तो बीजेपी के लोगों को इतना खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए, जनता जानती है, युवा जानते हैं, और सबसे ज्यादा भुक्तभोगी जो रहा है इन 7 वर्षों में जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, युवा ही रहा है। क्योंकि देखिए, सारी सरकारी संस्थाओं को तो इन लोगों ने बेच दिया, सरकारी नौकरियों के उतने अवसर तो बचे नहीं है, हर चीज का तो निजीकरण करते चले जा रहे हैं, और निजीकरण के बावजूद भी 2-4 कंपनियां हैं और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खासतौर पर इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। इन्वेस्टर समिट इन्होंने बुलाया, इन्वेस्टर समिट के बाद कोई इन्वेस्टमेंट तो आया नहीं। अभिषेक जी, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से आपकी लखनऊ में भी मैराथन था, झांसी में भी, तो इसके लिए परमिशन क्यों नहीं मिल रही? कौन सी वजह है जिसकी वजह से इसके लिए परमिशन नहीं मिल रही है? ये तो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों को बताना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक दिन पहले इतना बड़ा कार्यक्रम जो वहां पे बताते हैं इन्होंने किया एकाना स्टेडियम में, वो कर सकते हैं, तब वहां पे ओमिक्रॉन वायरस नहीं आ रहा है। अमित शाह जी आज जालौन में रैली कर रहे हैं, तब ओमिक्रॉन नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री जी कौशाम्बी में रैली कर रहे हैं, तब ओमिक्रॉन नहीं आ रहा है। और कांग्रेस पार्टी अगर मैराथन कर ले रही है तो उससे ओमिक्रॉन फैल जाएगा पूरे शहर में। तो ये तो सरकार निश्चित तौर पर जानती है कि इनकी जो जमीन है, जो जड़ें हैं, वो हिल चुकी हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ने मूड बना लिया है। क्योंकि देखिए, 4.5 वर्ष अभी हो गए इनकी सरकार को पूरे पूरा होने का समय आ गया है। इन इतने समय में युवाओं को इन्होंने ठगना और धोखा देने का काम किया और केवल हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी, जिसके अलावा उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा नेता नहीं है जिसने उन लोगों की आवाज उठाई हो या लड़ाई लड़ी। लेकिन आपने जो है टैबलेट और मोबाइल बांटा, लेकिन स्कूटी बांटी जा रही थी, मैराथन हुआ हो रहा था, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली। आखिर कांग्रेस को परमिशन क्यों नहीं दी गई? जहां ये लाठियां बरसा रहे हैं किसानों के ऊपर, युवाओं के ऊपर, अभी कल 3 गैंगरेप हुए, 3 साल की बच्ची के साथ अपराध हुआ, तो जहां इनकी सरकारें चल रही हैं वहां तो ये कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं, जनहित का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, उल्टा वहां पे भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ता चला जा रहा है। पंजाब आज उड़ रहा है पूरी, लेकिन हम बात कर रहे हैं यूपी की। आज देखिए, बम विस्फोट हो रहे हैं पंजाब में, बम विस्फोट हो रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए, बिगाड़ने के लिए अपनी पूरी एड़ी चोटी का पसीना लगा दे रहे हैं। अभिषेक जी रुक जाइए, एक करके बोलिए, मैं आपको मौका दूंगी। कैसे स्टैम्पेड की स्थिति पैदा हो, उसमें विपक्ष पूरी तरह से लगा हुआ है, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी। जी
लेकिन हम बात कर रहे हैं यूपी की, अगर कोरोना का हवाला दिया गया है तो आपने भी इकाना स्टेडियम में बड़ी भीड़ करके छात्रों को टैबलेट और मोबाइल बांटे थे, तो क्या बच्चों की जिंदगी पे आपको रहम नहीं आया कि वहां पे इतनी भीड़ रहेगी तो बच्चों को भी कोरोना हो सकता है? कांग्रेस अब ये सवाल उठा रही है कि भेदभाव क्यों किया जा रहा है, जवाब दीजिए गौरव जी। पालन किया गया, कोरोना के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया गया, अनुशासित तरीके से वो सरकार का वो कार्यक्रम चला जी। और वहीं विपक्ष के पास केवल एक ही मुद्दा है, किस प्रकार से कोरोना फैल जाए, किस प्रकार से वैक्सीन के खिलाफ भ्रम पैदा किया जाए, किस तरह से जनता के अंदर अफरा तफरी पैदा किया जाए, ये पूरी तरह से सुनियोजित ओमिक्रॉन को भी लेकर के समाज के अंदर में भ्रम पैदा करने का एक षड्यंत्र चल रहा है विपक्ष का। अच्छा, बीजेपी रैली करेगी तो उसमें प्रोटोकॉल को फॉलो करा जा रहा है और बाकी कोई विपक्षी पार्टी करेगी तो उसे अनुमति नहीं है क्योंकि वो कोरोना फैला रहा है। अभिषेक जी आप क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं, अखिलेश जी ने किया है, ऐसा तो सरकार के दो लोगों ने भी अपनी सभाएं कहीं की है और कर भी रहे लगातार। प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में, इस्तीफे पे इस्तीफा दिए चले जा रहे हैं और सब कांग्रेस में आने की लाइन लगा के बैठे हुए हैं, उसके बारे में उनको बात करनी चाहिए। जहाँ पे ये मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा नहीं देते हैं एक मंत्री को और तमाम ऐसे मुद्दे, उनको मैं नहीं लाना चाहता क्योंकि यूपी की बात हो रही है। यहाँ पे यूपी मेन मुद्दा है, विषय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 वर्षों से लगातार इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के बारे में जब भी कोई सवाल इनसे पूछा जाता है तो ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ ये पहुंच जाते हैं। ये इन्होंने ये नहीं बताया कि 5 वर्षों में इन्होंने क्या किया है, पूर्ववर्ती सरकारों के ऊपर दोषारोपण करते हैं। देखिए सवाल यहाँ पे ये होता है कि जब मुख्यमंत्री जी इतना बड़ा वहां पे कार्यक्रम कर सकते हैं एकाना स्टेडियम में, लेकिन बीजेपी का कहना है कि आपकी जहाँ पे सरकार है वहां पे आप ये सब आयोजन नहीं कर रहे हैं, ना ही वहां पे महिलाओं को वरीयता दी जा रही है, ना ही वहां पे महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है यूपी में ही, क्यों? देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अधिकतम जो है भाव दे रही है किसानों को फसल का 2500 रुपए प्रति क्विंटल, भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है। हरियाणा में बिजली सस्ती है बनस्बत उत्तर प्रदेश के जो किसानों को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी उस बारे में बात नहीं करती। कांग्रेस पार्टी तो जहां जहां हमारी सरकार है वहां तो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए बराबर से काम कर रही है और महिलाओं को बढ़ चढ़ के उसमें भागीदारी हो रही है, चाहे वहां सरकारें देखें, कैबिनेट वहां की देखें। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया, क्या संघ का कोई संचालक आज तक उन्होंने महिला बनाया, क्या कोई अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी महिला को बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, इसका जवाब दी जा रही है। बाकी राज्यों में भी तो चुनाव है और आपकी सरकार जहां पे है वहां पे भी तो महिलाओं को वरीयता दीजिए। नहीं, महिलाओं को हर जगह वरीयता मिल रही है जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कांग्रेस ने सदैव महिलाओं को वरीयता दी है, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी कांग्रेस से बनाई है और तमाम प्रधानमंत्री भी देश की पहली महिला जो है वो कांग्रेस पार्टी से रही है, तो कांग्रेस ने महिलाओं को सदैव वरीयता दी है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश विचार करेंगे लेकिन यूपी में वरीयता दे दी गई। उत्तर प्रदेश की स्थिति तो कोई बुरी बात नहीं है ना, वरीयता अगर दी जा रही है, अगर हम विपक्ष में बैठे बाकी राज्यों में भी वरीयता के बावजूद नहीं, हम कर रहे हैं वहां पे काम, क्यों हम उत्तर प्रदेश में क्यों ना करें? इसका क्या मतलब है कि हमारी और राज्यों में सरकार है, आपकी जहां पे सरकार है वहां पे अपराध देखने को मिल रहा है, महिलाओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जहां पे आपकी सरकार मौजूदा वक्त में वहां पे एनसीआरबी के एनसीआरबी के आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। देखिए प्रियंका जी कहती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो राजस्थान में जरा लड़ करके दिखाए, एक दिन में 3-3 रेप हो रहा है, ये बड़ी कल की घटना है, कल की घटना है, रामगढ़ में घटना हुई है, एक अध्यापक ने एक बच्चे के साथ किया है, नशीला पदार्थ किया, भारतीय जनता पार्टी उसमें दबाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अजय मिश्रा टेनी के लड़के को बचाने की कोशिश करती है, आज तक मंत्री की बर्खास्तगी नहीं करी गई। उन्नाव में जब कुलदीप सेंगर का मामला होता तब ये लोग बचाने की कोशिश करते, तो प्रियंका गांधी जी के अलावा कौन व्यक्ति है जो सामने आया? प्रियंका गांधी जी अगर यूपी की जो महिलाएं हैं बहनें उनको 40% आरक्षण देना चाहती है तो इसमें सत्ता पक्ष को क्यों मिर्ची लगती? जी गौरव जी मैं आपके पास आती हूँ, आप क्या कह रहे थे, अपनी बात पूरी करिए। मैं ये कह रहा था कि अभी कल ही राजस्थान में 3-3 बेटियों के साथ दुराचार हुआ है, एक अध्यापक ने तो छात्र के साथ और एक बहुत कम उम्र की बच्ची के साथ, क्यों नहीं उसके लिए एक शब्द बोलती हैं?
लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली वहां के लिए आवाज नहीं निकलता, क्योंकि वहां पे सरकार चल रही है और वहां से पैसे उठा करके उत्तर प्रदेश में वितंडा करने के लिए काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से रुपए ला करके उत्तर प्रदेश में खर्च किया जा रहा है, पैसे दे दे करके बांट बांट करके भीड़ बुलाई जा रही है प्रियंका जी के सभा में। वो काम करने के लिए पैसे हैं इनके पास, जिससे कि उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हो, और जहां पे इनकी इनका शासन चल रहा है वहां किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो जाता है, वहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वहां अपराध बढ़ता जा रहा है। जरा वहां एक एग्जाम्पल दिखा दे इन्होंने जो लोकहित में काम किया हो। आज उत्तर प्रदेश में सरकार लोकहित में काम कर रही है, जनता के हित में काम कर रही है, युवाओं महिलाओं के हित में काम कर रही है। अभिषेक जी, तो परेशानी हो रही है प्रियंका गांधी दंगों के बल पे, इनकी राजनीति हुई थी, आज वो दंगे बंद हो गए उत्तर प्रदेश में, इसलिए इनको परेशानी है। यूपी में कोई ऐसी घटना होती है तो सबसे पहले प्रियंका गांधी राहुल गांधी यूपी आ जाते हैं, पीड़ितों से मिलते हैं, तो क्या राजस्थान में पीड़ितों के घर गए? देखिए देखिए, ऐसा है, ये राजनीति करना चाह रहे हैं ये मुद्दों पे बैठ कर यहाँ पे। जब दिल्ली में एक दलित बहन का बलात्कार होता है, रेप होता है, तो गृह मंत्री जी से लेकर प्रधानमंत्री जी से लेकर कोई व्यक्ति वहां बोलता नहीं है। राहुल गांधी जी मिलने दिल्ली में जाते हैं। राजस्थान में जब ऐसी कोई घटना होती है तो राहुल गांधी जी सीधे फोन करके बात करते हैं। हमारी सरकार थी कांग्रेस की हरियाणा में और केंद्र में, हमारी सरकार थी, एक बहन के साथ वहां बलात्कार किया गया था, राहुल गांधी जी ने तत्काल फोन करके कार्रवाई कराने करने के लिए मुख्यमंत्री को बोला था, तत्काल कार्रवाई करी गई थी। राष्ट्रपति 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी इस तरीके का काम नहीं करती, अपराधियों को बचाने का काम करेगी। तो विधायक बलात्कारी है, बलात्कार विधायक इनके लिप्त रहे, उनको इन्होंने बार बार बचाने की कोशिश करी है, पूरा पूरा उनका घर परिवार खत्म करा दिया, और उसके बाद वो उस पर सुनवाई हो रही। जब कोर्ट बीच में इंटरफेयर करता है हर मुद्दे पे जो उत्तर प्रदेश में सेंसिटिव रहा है, चाहे कुलदीप सेंगर का मामला हो, चाहे लखीमपुर खीरी का मामला हो, जब कोर्ट ने आके बीच में टिप्पणी करी तब उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई करी है। बाकी उत्तर प्रदेश सरकार करती क्या है? युवाओं की बात कर रहे हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों में 40% आरक्षण लाना चाहते हैं तो इनको मिर्ची क्यों लगती है? मेन मुद्दा यहाँ पे यही है कि जब हम अपनी मैराथन यहाँ पे रखा था और आज का प्रोग्राम नहीं है, पहले से डिसाइडेड था और सरकार शासन प्रशासन को मालूम था, ये तो जानबूझ के किया गया है। ओमिक्रॉन वायरस का ये केवल इन्होंने बहाना ली। भाई मैं मानता हूँ कि ओमिक्रॉन वायरस आ रहा है, जब पहली कोविड की वेव आई थी तो राहुल गांधी जी एक लौते व्यक्ति थे जिन्होंने फरवरी 2020 में कहा था कि देश की जो सरकार है उसको सजग हो जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत भयावह रूप ले सकता है। तत्कालीन उसमें पूरे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया था, आप लोग वो नहीं करते, इस पे क्या कहेंगे? कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया था भारतीय जनता पार्टी, जो लोग वहां भीड़ खरीद के लेके आती है, ये बोल रहे हैं भीड़ खरीद के लेके आती, झांसी का इन्होंने मंजर नहीं देखा जो भीड़ खरीदने की इन्होंने बात करी। और क्या भारतीय जनता पार्टी वाले कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी अभी रैली में कौशाम्बी में थे, अमित शाह जी थे, कौन सा कोविड का वहां प्रोटोकॉल का पालन हो रहा था? कौन सा एकाना स्टेडियम में उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया? और ये क्या कहना चाहते हैं कि जो बहनें और जो बेटियां वहां पे आ रही थी मैराथन में भाग लेने के लिए, क्या उनको इतनी समझ नहीं है ओमिक्रॉन के बारे में कि वो कोविड प्रोटोकॉल का वहां पालन नहीं होता? ये पहले से उन्होंने बता दिया, बहाना होता। गौरव जी जवाब दीजिए। मैं सुन नहीं पाया उनको क्या बोल रहे। चलिए ठीक है, मैं ये पूछना चाहती हूँ गौरव जी कि जिस तरह से प्रियंका गांधी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढ रही है, तो आप उनको किस नजरिए से देखते हैं? क्या वो आपको टक्कर दे रही हैं? अगर टक्कर दे रही है तो क्या इसी डर की वजह से मैराथन रैली को अनुमति नहीं दी गई? देखिए, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश भर में राजनीतिक जमीन कांग्रेस खोज रही है, और कांग्रेस में जो एक परिवार के इर्द गिर्द पूरे देश की राजनीति को झोंक दिया गया था, आज उस परिवार से देश की जनता ऊब चुकी है, इसलिए उनको हाशिए पर बैठाया है। जी, मैं प्रियंका गांधी के बारे में पूछ रही हूं। उत्तर प्रदेश में कोई चुनौती कांग्रेस की नहीं है, ना समाजवादी पार्टी है, ना बसपा है। उत्तर प्रदेश में हमारी चुनौती हमारी सरकार को बढ़ाना है। बिल्कुल नहीं, प्रियंका गांधी पहले चुकी है। प्रियंका गांधी को पहले भी चुनावों में देखा जा चुका है, पिछले 10-15 वर्षों से आ रही हैं, उनका कोई असर नहीं है धरातल पर। लेकिन जिस तरह से निकलने वाले को लेके आगे चल रही है, उसमें क्या मानती है? ढोंग और षड्यंत्र मानती है। महिलाओं को लेके आगे चल रही है और उनकी मैराथन के लिए भी महिलाओं की काफी भीड़ देखने को मिली थी। पैसे पर छत्तीसगढ़ से रुपया आता है, पंजाब से आता है। आपकी रैलियों में जो इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाती है वो कैसे हो जाती है? पहुंच रही है उनके यहाँ, तब पब्लिक को पहुंचाने का काम किया जा रहा है, और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये पकड़ा भी जा चुका है, ऐसा नहीं है।
और उत्तर प्रदेश में ये सिर्फ माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं, जो शांतिपूर्ण है खराब करने का काम कर रही है। गौरव जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपके जो भीड़ आती है तो वो जनता का प्यार है, जनता अपने मन से आती है और वहाँ पे कोरोना भी नहीं आता, वहाँ पे कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन भी हो जाता है, बाकी पार्टियों में क्यों नहीं? देखिए निश्चित रूप से हमारी सभाओं में आज भी मोदी जी की लोकप्रियता दुनिया में सर्वाधिक है, दुनिया के सबसे ताकतवर सबसे लोकप्रिय नेता है, और हमारी सरकार ने जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया है, कोई ऐसा परिवार नहीं है उत्तर प्रदेश का जहां किसी न किसी योजना के माध्यम से कोई ना कोई लाभ ना पहुंचा हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता का प्यार भरपूर भारी मात्रा में हमारे नेताओं को मिल रहा है। आज हमारी जनविश्वास यात्रा जो चल रही है सभी जगहों पर, सभी मोर्चों के अभी सम्मेलन हो रहे हैं, उसमें भी अपार जनसमूह उमड़ रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश में चल रही सरकार अपने काम के आधार पर जनता को अपने साथ जोड़ने में सफल हुई है। वहीं इनकी खोई हुई जमीन के लिए ये सारी ताकत लगा रहे हैं, हर वो हथकंडे अपना। जी अभिषेक जी, अब मैं आपके पास आती हूँ। बीजेपी ने तो कह दिया कि उनको जनता का पार प्रेम मिल रहा है। सुगंध फैलाने वाली जो इत्र थी, करोड़ों रुपए, 150 करोड़ से ज्यादा बरामद हो चुके हैं। अब तक 109 करोड़ गिना जा चुका है। जिसके यहाँ से गिना गया है उसका एक भाई एमएलसी है समाजवादी पार्टी का, और उसके तार पूरी तरह से समाजवादी मुखिया से जुड़ते हैं। तो ये लोग जब सरकार में आते हैं तो वही काम करते हैं, और सरकार के बाहर रहते हैं तो किस प्रकार से माहौल खराब किया जाए उस ताकत का इस्तेमाल उसमें वो करते हैं। जी बिल्कुल अभिषेक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या आपको पता है कि बीजेपी कौन सी ऐसी चीज लेकर अपनी रैलियों में जाती है जिसकी वजह से वहां पे कोरोना नहीं आता है? भीड़ बहुत जुटती है लेकिन कोरोना का संक्रमण नहीं फैलता है। देखिए ऐसा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बता सकते हैं, जो इन्होंने एक नाइट कर्फ्यू लगाया है 11 से 5 के बीच में। इनको ज्यादा जानकारी होगी, कोरोना से इनकी बातचीत हुई होगी, और 11 बजे रात में निकलता होगा और सुबह 6 बजे तक रहता होगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी के ही वैज्ञानिक लोग बता सकते हैं। देखिए ऐसा है कि कोरोना कभी भी कहीं भी फैल सकता है, और सबको सतर्क रहना पड़ेगा। ओमिक्रॉन जो है तीसरी वेव देश में आने वाली है, देश की जनता को और सरकार को इसको देखना पड़ेगा और सीरियसली हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। और जगह निरंतर केस बढ़ते जा रहे हैं और फैलते जा रहे हैं। और जहां तक भीड़ लाने की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी वाले इस वक्त जितनी इनकी रैलियां हो रही, यूपीएसआरटीसी की जो बसें हैं उनको इन्होंने काम में लगा दिया भीड़ इकट्ठा करके लाने के लिए। ये फर्क है बीजेपी की सरकार में और कांग्रेस की सरकारों में, कि सरकारी जो तंत्र है उसका पूर्णता दुरुपयोग किया जा रहा है रैलियों भीड़ जुटाने के। हमें रैलियों भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं है, हमने तमाम रैलियां करी हैं और हमारी रैलियों में लाखों की संख्या में भीड़ आ रही है प्रियंका जी की। और बीजेपी ने जब से प्रियंका जी ने महिला विधान घोषणा पत्र जारी किया है तब से बीजेपी में खलबली मची। मुफ्त वाली राजनीति की, तो मुफ्त की राजनीति सभी पार्टियों में देखने को मिल रही है। जिस तरह से सभी के भले के लिए मुफ्त वाली राजनीति चल रही है, वो चाहे कुछ भी बांटना हो, फ्री बिजली का प्रलोभन देना हो, या फिर बस यात्रा का प्रलोभन देना हो, स्कूटी देने का प्रलोभन देना हो, क्या कहेंगे? एक तरह से राशन भी फ्री में बांटा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, काफी सुविधाएं दी जा रही हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए हम बहनों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, और हमने एक प्रतियोगिता रखी थी, ये मुफ्त में नहीं बांटा जा रहा है, प्रतियोगिता रखी गई थी, बहनों को और जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि बहनें हमसे जुड़ रही हैं पूरे प्रदेश में और हमारा जो जनाधार है वो बढ़ता है उत्तर प्रदेश में। ये तो देखिए तमाम पार्टियां करती हैं, भारतीय जनता पार्टी तो शुरुआत से, जब से कोविड आया है तब से मुफ्त राशन बांटने की कोशिश कर रही है। जब जब चुनाव आता है तब इस तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं। मगर देखिए युवाओं के लिए महत्वपूर्ण क्या होता है, नौकरियां देना। प्रधानमंत्री जी 2014 में जब सत्ता में आए थे, अब की बार मोदी सरकार का नारा लेके, तो तमाम ऐसे नारे निकले थे जिनमें इन्होंने नौकरियों का, मुफ्त राशन, सस्ते तेल का, सब्जियों का, तमाम बातों का इन्होंने उदाहरण दिया था। मगर आज सरसों का तेल हो चाहे सब्जियां हो, उसका दाम क्या है, पेट्रोल डीजल का दाम क्या है, किसान परेशान है, युवा परेशान है, उसको भारतीय जनता पार्टी 7.5 वर्षों में सही नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश में जब से इनकी डबल इंजन की सरकार आई है, उस डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता का सत्यानाश कर दिया और ज्यादा रोजगार के अवसर एक भी नहीं पैदा हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय यहाँ बैठे हैं और ये खुद जानते हैं इस बात को कि इनकी सरकार आने के बाद सितंबर 2017 से पेपर जो लीक होने का क्रम चालू हुआ है, निरंतर पेपर लीक हुए हैं, यूपीपीएससी का मेंस तक का पेपर लीक हो गया, बहुत बड़ी बात है। तमाम इस तरीके की भर्तियां घोटाले जो निकले, इनके खुद के मंत्री जो है अपने भाई की नौकरी जो है बैकवर्ड कोटे मुहा करके रखवा देते हैं,
इनके खुद के राज्य मंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त सरकार के, तो इस तरीके के तमाम उदाहरण सामने आए प्रदेश की जनता का, प्रदेश की जनता ने देखा है, चाहे वो राम जन्मभूमि हो, चाहे अयोध्या हो, जमीन घोटाले से लेकर तमाम मुद्दे सामने आ रहे प्रदेश की जनता के सामने, बीजेपी का जो मुखौटा है वो आरोप लगाया जा रहा है कि नौकरी का वादा करके सत्ता में आए थे लेकिन नौकरी दे नहीं पाए, और अब इसको लेकर काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, वो चाहे विपक्ष हो या फिर जनता में कुछ प्रदर्शनकारी हो, क्या कहेंगे इस पे? की आवश्यकता नहीं होती है, लगभग 5 लाख सरकारी नौकरियां ऑन रिकॉर्ड दी गई हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, बिना भेदभाव, बिना पक्षपात के साथ, और उसके पूरे डेटा, पूरे आंकड़े उपलब्ध हैं, जिनको नौकरियां मिली हैं उनसे जो चाहे वो जाकर मिल भी सकता है। इसके अलावे जो लगभग संविदा पर 3 करोड़ नौकरियां युवाओं को सृजित की गई और दी गई, इसके अलावे कर्ज दे करके भी लगभग 5 करोड़ के आसपास लोगों को कर्ज दिया गया जो स्वरोजगार में उनको मदद मिला और काम आगे बढ़ा, जिसमें 2 वर्ष पूरी तरह से कोरोना के भेद चढ़ गया, बावजूद इसके हमारी सरकार बिल्कुल एक अभिभावक की भूमिका में, गार्जियन की भूमिका में मुफ्त राशन दे करके आज उत्तर प्रदेश में अकेले ही 15 करोड़ आबादी को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ये मुफ्त की राजनीति नहीं है, ये कठिन समय में, ये परेशानी के समय में सरकार किस तरह से खड़ी होती है उसका ये सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। वहीं आज जो स्मार्टफोन या टैबलेट जो बांटे जा रहे हैं, किसको बांटे जा रहे हैं? ये मेधावी छात्रों को बांटे जा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर भी तो विपक्ष हमलावर है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये सही लोगों तक पहुंच नहीं पाता है, इसके जरिए भी घोटाले किए जाएंगे, राशन बांटे जा रहे हैं लेकिन उसका लाभ गरीब इंसान तक, हर एक इंसान तक मिल नहीं रहा है, इस पे क्या कहेंगे? विपक्ष क्यों हमलावर है अगर अच्छे काम किए जा रहे हैं तो? नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग सभी जगहों पर जाते हैं, संगठन के कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार अनवरत जनता के बीच में रहते हैं और इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि एक ही घर में सदस्यों की संख्या ज्यादा है तो सभी को राशन मिल रहा हो, ये हो सकता है, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि उसको राशन नहीं मिल रहा है। आप देखिए, हमारी सरकार जब नहीं आई थी तो इसी उत्तर प्रदेश में 450 फेक राशन कार्ड थे, 4.5 करोड़ फेक राशन कार्ड थे और उस पर वितरण होता था, घोटाले होते थे, आज वो सारी चीजें बंद हो गई, पिलफरेज बंद हो गए, सब्सिडी के पैसे 7% जाते हैं, आज वही जो कांग्रेस सरकार में 15 पैसा पहुंचता था एक रुपए में, आज 1 रुपए में 1 पैसे की कटौती नहीं होती है, पूरा का पूरा किसान सम्मान निधि का पैसा जाता है, सब्सिडी के पैसे जाते हैं। हमारी सरकार जिस तरीके से खड़ी हुई है, मुफ्त की राजनीति पे विश्वास हमारी सरकार नहीं करती, स्वावलंबी बनाना, अपने पैरों पर खड़ा करना, स्ट्रेंथन करना, उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। और मुफ्त का ये जो राशन दिया जा रहा है, ये कठिन परिस्थितियों के कारण है, अर्थव्यवस्था पर चोट के कारण है, कोरोना के लॉकडाउन के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, अन्यथा हमारे प्रदेश में जिस प्रकार से विकास का कार्य हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र उठा करके देख लीजिए तो बीसियों उदाहरण मैं गिरा दूंगा आपको, जो पिछली सरकारों से कोई तुलना नहीं है इस सरकार में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दोनों मेहमानों का। इस चर्चा में हमारे साथ बीजेपी से गौरव मिश्रा जी जुड़े थे और कांग्रेस से अभिषेक राज जी जुड़े थे, तो दोनों मेहमानों ने अपना अपना पक्ष रखा कि आखिर ये फ्री वाली राजनीति है या फिर जनता के हित में काम किया जा रहा है। तो ये तो साफ है कि जनता के हित में काम करने की दोनों की ही मंशा है, दोनों क्या सभी पक्षों की मंशा है, दोनों ही चाहते हैं कि जनता उनसे जुड़े और उनकी जो भी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनका लाभ मिल सके। लेकिन जो विपक्ष है, अन्य पार्टियां हैं, वो लगातार आरोप लगा रही हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है या फिर जो है इसमें घोटाला है, लेकिन जनता को लाभ मिलना चाहिए, यही मेन मकसद है, यही मेन मुद्दा है, और इसी मुद्दे के तहत हम चाहते हैं कि जनता हो या फिर सरकार हो, सभी अपने अपने स्तर पर काम करें। अगर सरकार कोई योजना ला रही है तो जनता को उसके बारे में जानकारी मिले, उसका लाभ मिले, लेकिन जो ये फ्री वाली राजनीति है जिससे युवाओं को जोड़ना चाहती है सरकारें या फिर विपक्षी दल, तो ये सब कर तो रहे हैं लेकिन जनता के हित में हो वो ज्यादा अच्छा है। फिलहाल इस वीकेंड चर्चा में इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।